अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऐसे पशुपालक जो अपने जानवरों को सड़कों पर धोने के बाद छोड़ दे रहे हैं, इन पशुओं को पकड़ के 2000 रुपये प्रतिदिन और 100 रुपये प्रतिदिन की खुराकी के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जा रही है। 81 ऐसे पशुपालकों के विरुद्ध धारा 133 में और नगर निगम अधिनियम में इनके खिलाफ CGM कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पशु आवारा पशुओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। 900 से ज़्यादा पशु शहर के बाहर छोड़े जा चुके हैं। 108 पशु जनपद महाराजगंज के मधवलिया गोसदन में भेजे गए हैं। पशुओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन सायंकाल छुट्टा जानवरों को पकड़ा जा रहा है, उनको फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बने अस्थाई काजी हाउस में रखा जा रहा है। नगर निगम गोरखपुर में 200 पशुओं के लिए काना उबन बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए शासन से पैसा प्राप्त हो गया है। मंडी समिति के पीछे 9 एकड़ नगर निगम की भूमि पे बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। अभी रिसेंटली मैं कल आ गया था तो यहीं पे 2 साल लड़ रहे थे। मैं अपनी बच्ची को लेकर के आ गया था, मैंने ब्रेक मारी और ये बिल्कुल फिसल गई और इसके पैर में चोट भी आ गई। तो सोच लीजिए, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको इतनी सारी दिक्कतें होती हैं। जब ये पागल होते हैं तो किस तरफ मुड़ जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। अगर नगर निगम इसके खिलाफ कोई एक्शन ले गई है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।